गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करो कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ, तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए, ना। प्रसाद के दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो गए तो वहां प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहां प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत, किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं, जम के बोलिए, पांच व्रत। कितने दिए लगते हैं, छह। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं, तीन। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या, घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा, मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है, जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर छह दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए, छह ही दिए को मंदिर में रखिए, छह दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना, छह ही जमीन पर रखकर प्रसाद के तीन हिस्से कर दो। पांच दिए प्रज्वलित कर दो, शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो, प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो, शिव जी की आराधना कर चल दो। आराधना कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए, और घर की ओर मुख कर जो छठे नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे पांच व्रत करना है। बीच में कोई अर्चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर पांचों व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि तीन व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, पांचवा व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब पांचवा व्रत तुम्हारा पूर्ण हो, तब बाबा देव अधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए, एक स्वाद चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि का आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना, बाबा आप इस व्रत को स्वीकार कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित है।